इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। 21 जून से राज्यों के हिस्से के 25% समेत कुल 75% वैक्सीन खरीदेगी केंद्र सरकार। गाइडलाइंस में केंद्र ने राज्यों को दी सलाह, वैक्सीन बर्बाद की तो राज्यों के कोटे में होगी कटौती। सरकार ने ई वाउचर को बढ़ावा देने का समर्थन किया। निजी अस्पतालों में गरीबों को ई वाउचर किया जा सकेगा गिफ्ट। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में से कोरोना कर्फ्यू हटा, लखनऊ समेत बाकी चारों जिलों से पाबंदियां हटाई गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के बावजूद नए केसेस में आई कमी। 24 घंटे में हुए 2,85,000 टेस्ट, नए संक्रमितों की संख्या घटकर हुई 797। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक, कोरोना के ताजा हाल पर समीक्षा की। अनलॉक के दूसरे दिन फिर लापरवाही की तस्वीर नजर आई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंतों ने श्रद्धालुओं से की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की और मास्क लगाने की अपील। श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा अपील का कोई असर। काशी में 53 दिन के बाद खुले मंदिर। सुबह सुबह 4 बजे हुई काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली आरती। कोरोना गाइडलाइंस का हुआ पालन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 15 जून के बाद श्रद्धालुओं को मिल सकती है एंट्री। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही मिलेगी एंट्री। गोरखपुर की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन, लोगों के मुंह से मास्क भी गायब। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे दिन भी आईटीओ पर कतार नजर आई गाड़ियों की। रोड के दोनों तरफ लंबी लाइन। अनलॉक में मुंबई में भीड़ हुई अनकंट्रोल। दादर की सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बिहार के सीतामढ़ी में कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन। शादी समारोह में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क पहने दिखे लोग। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने से 22 मरीजों की मौत की खबर के बाद बवाल। आगरा एडीएम सिटी की अध्यक्षता में टीम जांच के लिए पहुंची। वायरल वीडियो में अस्पताल के डॉक्टर का कबूलनामा। 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल में हुई 22 मरीजों की मौत। आगरा के डीएम ने ऑक्सीजन की कमी से 7 मौत की पुष्टि की। कहा जांच पूरी होने पर एक्शन लिया जाएगा। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। पूछा अस्पताल में 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल करने का जिम्मेदार कौन। राहुल गांधी ने बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी बताया। दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर बोले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। कहा जांच जारी, जांच के बाद देंगे जानकारी। कोरोना वैक्सीन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का यूटर्न। कोरोना का टीका लगाने का ऐलान किया, लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, भारत सरकार के टीके का स्वागत किया। पहले कहा था नहीं लगाऊंगा बीजेपी का टीका। अखिलेश यादव के टीका लगाने के लिए राजी होने पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की चुटकी। कहा टीके का महत्व समझने में इतना वक्त लगाया, देश को लेकर बहुत हल्की सोच। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बीजेपी वैक्सीन वाला अखिलेश का बयान था बचकाना, पूर्व सीएम को दी ऐसा ना बयान देने की नसीहत। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा बीजेपी वैक्सीन वाले बयान के लिए माफी मांगे अखिलेश, वैक्सीन नहीं लेने को कहकर अपने लाखों कार्यकर्ताओं के मौत के मुंह में धकेला। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन ने अखिलेश का बचाव किया, बीजेपी को माननी पड़ी मुफ्त टीकाकरण की हमारी मांग। कहा पीएम मोदी के मुफ्त वैक्सीनेशन के ऐलान पर सियासत। कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट की वजह से सरकार ने अपना रुख बदला। विपक्ष के हमले पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री नकवी ने पूछा क्या विपक्ष चाहता है कि मुफ्त वैक्सीनेशन ना हो और गरीबों का राशन बंद किया जाए। कमलनाथ के वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कहा कांग्रेस ने पोलियो चेचक के टीके बनाने में जितने साल लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी की वैक्सीन बनाने में उतने महीने भी नहीं लगाए। पंजाब में निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचे जाने पर बीजेपी का हमला तेज। पंजाब में घोटाले को बीएमडब्ल्यू मॉडल के तर्ज पर घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया बीएमडब्ल्यू मॉडल का मतलब बी बोले तो भ्रष्टाचार, एम से मुनाफाखोरी और डब्ल्यू से वेस्टेज। 68 दिन के बाद 1,00,000 से नीचे पहुंचा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 86,498 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 2,123 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 46 दिन बाद वायरस से मृतकों के आंकड़े सबसे कम। दिल्ली में कोरोना केस में भारी कमी दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 231 लोग पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 36 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,219 नए कोविड के मामले सामने आए। 154 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर हुई 15,681। पिछले 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 15 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 762 नए मामले सामने आए। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 66 मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 5,887 नए मामले, 103 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 19,448 नए मामले, 351 लोगों की मौत।
कर्नाटक में कोरोना के 11,998 मामले सामने आए, 340 लोगों ने दम तोड़ा। बिहार में लॉकडाउन खत्म हुआ, शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, आदेश अगले एक सप्ताह तक लागू। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उमड़ी थी हजारों लोगों की भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी थी धज्जियां। मुंबई में कोरोना की नकली दवा बनाने और बेचने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, 22 लाख रुपए की नकली दवा जब्त की गई। नोएडा और मेरठ की कंपनियां भी थीं शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पानी में चलकर वैक्सीन लगाने को मजबूर कर्मचारी, 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल करना पड़ रहा है सफर। ओडिशा के नयागढ़ के कोविड केयर सेंटर में दिखी खुशी की लहर, सेंटर में धूमधाम से मनाया गया कोरोना पीड़ित मरीज का जन्मदिन। सेना की उत्तरी कमान की मुहिम, जम्मू कश्मीर के रामनगर के स्टेडियम में पूर्व सैनिकों के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान। पंजाब में विदेश जाने वालों को टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। बिहार के सहरसा में मुस्लिम बस्ती में वैक्सीन लगवाने की अपील करने पहुंची एसपी लिपि सिंह, किसी ने टीके से मौत की अफवाह उड़ाई थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।